गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डीसी शंट मोटर। ठीक है, तो डीसी शंट मोटर में टॉर्क, आर्मेचर करंट, स्पीड, ये सब क्वांटिटीज़ होती हैं जिसका हमको कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है। तो पहला है इसमें टॉर्क और आर्मेचर करंट। टॉर्क और आर्मेचर करंट के बीच कैसा ग्राफ बनता है ये हमको देखना है, और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, सेकंड है स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच, थर्ड है स्पीड और टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसको बोलते हैं मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। एग्ज़ाम में आपको इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बोल के पूछ सकता है, तो आप याद रखेंगे टॉर्क और आर्मेचर करंट को इलेक्ट्रिकल बोलते हैं, स्पीड और टॉर्क को मैकेनिकल बोलते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है टॉर्क एंड आर्मेचर करंट। तो डीसी शंट मोटर में क्या होता है, आपका शंट वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों कनेक्टेड होते हैं पैरेलल में। ठीक, अब पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो दोनों पैरेलल में, तो दोनों वाइंडिंग के बीच जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक, और वोल्टेज सेम है जिस वजह से आपका फ्लक्स क्या होगा, उसमें कॉन्स्टेंट होगा। तो आपका जो टॉर्क इक्वेशन होता है, टॉर्क इक्वेशन जो डेरिवेशन हम लोग किए हैं, उसमें टॉर्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका फ्लक्स और आर्मेचर करंट के। ठीक, तो डीसी शंट मोटर में जब आपका फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा आर्मेचर करंट। तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा, वाई एक्सिस में आपका टॉर्क है, एक्स एक्सिस में आपका आर्मेचर करंट है, तो दोनों क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो ग्राफ क्या बनेगा, लीनियर। जैसे जैसे आपका टॉर्क इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे आपका आर्मेचर करंट इंक्रीज़ होगा। ठीक, ये था पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ध्यान रखेंगे, देखिए डीसी शंट मोटर में आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग दोनों पैरेलल में होती है, जिस वजह से इसका फ्लक्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन यही चीज़ जब सीरीज़ मोटर में आएगी तो उसमें आपका आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग दोनों किस में कनेक्टेड रहेगी, सीरीज़ में, तो उस केस में आपका फ्लक्स कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक, सेकंड है इसका स्पीड और आर्मेचर करंट। तो स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच रिलेशन जो है, हमको पता है कि बैक ईएमएफ का फॉर्मूला ई बी इक्वल्स टू होता है फाइव जेड एन पी अपॉन 60 ए। ये हमने पिछले ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर में देखे हैं, ई बी का फॉर्मूला है फाइव जेड एन पी अपॉन 60 ए। तो वहाँ से स्पीड का फॉर्मूला निकलेगा, एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई बी अपॉन फाइव। फाई है आपका फ्लक्स, ई बी है आपका बैक ईएमएफ। ठीक, तो अब आपका ये मोटर है, मोटर के केस में आपका टर्मिनल वोल्टेज और लाइन वोल्टेज सेम चीज़ है। वी एल का इक्वेशन बनता है ई बी प्लस आई ए इंटू आर ए। ठीक, तो यहाँ से ई बी इक्वल टू हो जाएगा वी एल माइनस आई ए आर ए। तो आपका एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई बी अपॉन फाइव में आप ई बी का इक्वेशन पुट करेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगा एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी एल माइनस आई ए आर ए अपॉन फ्लक्स फाइव। अब ये है डीसी शंट मोटर, तो शंट मोटर आपका फ्लक्स हो गया कांस्टेंट, तो एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा वी एल माइनस आई ए आर ए। ठीक, अब इसमें आपका फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों पैरेलल में होता है, और उसी के पैरेलल में आप लगाते हैं लोड, तो तीनों वोल्टेज क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो यहाँ से आपका स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा माइनस ऑफ आई ए आर ए। आई ए आर ए क्या है, आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जब आप कुछ लोड लगाते हैं तब। तो देखिए अब ग्राफ में वाई एक्सिस में आपका स्पीड है और एक्स एक्सिस में आपका आर्मेचर करंट। तो जब एन नॉट है आपका नो लोड, जब आप मोटर में कोई लोड नहीं लगाते हैं, कोई लोड नहीं लगाते हैं मतलब लोड के अक्रॉस कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, मतलब आपको पूरा का पूरा वोल्टेज मिलेगा ई बी। उस केस में जब नो लोड केस रहेगा तो एन नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, ई बी, क्योंकि कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो यहाँ पर जो डॉटेड लाइन जो शो किए हैं वो है ई बी की लाइन। ठीक, उसके बाद अगर आप उसमें कुछ लोड लगाते हैं, आप उसमें कुछ लोड लगाएंगे तो आर्मेचर में करंट फ्लो होगा, जिस वजह से क्या होगा, उसमें आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप होगा, और वो किस डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन में एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ आई ए आर ए है, जिस वजह से आपका ग्राफ नीचे की ओर बढ़ेगा। जैसे जैसे
आपका आर्मेचर करंट इंक्रीज होगा है ना, वैसे वैसे ग्राफ आपका नीचे आएगा। ठीक, उसका थर्ड है इसका स्पीड और टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपका पावर और टॉर्क में क्या रिलेशन है, पावर इक्वल्स टू होता है टॉर्क इनटू एंगुलर स्पीड। तो टॉर्क का फॉर्मूला है 2πN/60, ओमेगा का फॉर्मूला है 2πN/60 इंटू टॉर्क। तो यहाँ से आप टॉर्क का इक्वेशन निकाल सकते हैं, टॉर्क और स्पीड के बीच का रिलेशन, टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। ठीक है, जब आपका टॉर्क इंक्रीज होगा तो स्पीड आपकी कम होगी, और जब स्पीड आपकी इंक्रीज होगी तो टॉर्क आपका कम होगा। तो हमको पता है डीसी शंट मोटर में है ना, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आई ए होता है। तो शंट है तो फ्लक्स आपका कॉन्स्टेंट हुआ, तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा आर्मेचर करंट। तो अब स्पीड इक्वल्स टू 1/ टॉर्क है, तो टॉर्क की अगर जगह आप पुट कर सकते हैं आर्मेचर करंट। तो सेम ग्राफ बनेगा जैसे पीछे देखे थे, आपका अगर आर्मेचर करंट इंक्रीज होगा तो स्पीड क्या होगी आपकी कम होगी, और टॉर्क अगर आपका इंक्रीज होगा तो स्पीड आपकी कम होगी। सेम केस है जब आप नो लोड के केस में, जब आप लोड नहीं लगाए हैं तो आपको पूरा का पूरा वोल्टेज मिलेगा ई बी, और जब आप लोड लगाएंगे तो आर्मेचर में करंट फ्लो होगा है ना, जिस वजह से आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो ये ग्राफ भी सेम है स्पीड और आर्मेचर करंट के जैसे। ठीक, तो आपका एन नॉट है आपका नो लोड स्पीड, नो लोड के केस में आपको वोल्टेज मिलेगा ई बी, और जब आप वोल्टेज ड्रॉप होगा तो ये ग्राफ नीचे हो, जैसे जैसे आपका टॉर्क इंक्रीज होगा वैसे वैसे स्पीड कम होती जाएगी। ठीक, तो ये था शंट मोटर का कैरेक्टरिस्टिक्स। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक ये पूछेगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे डीसी सीरीज मोटर का कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, थैंक यू।